दोस्तों, मैं हूं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। 2020 की बात करें तो चार सुपरस्टार की चार बड़ी फिल्में आने वाली है। सलमान खान की राधे, अक्षय कुमार यानी कि खिलाड़ी भैया की बात करें तो लक्ष्मी बॉम्ब, और अजय देवगन की बात करें तो भूत द प्राइड ऑफ इंडिया, और जॉन अब्राहम की बात करें तो यहाँ पे अटैक हो, मतलब वो अटैक करने वाले हैं। तो हम यहाँ पब्लिक से ये जानने के लिए आए हैं कि चारों फिल्मों में से वो सबसे ज़्यादा कौन से फिल्म के लिए एक्साइटेड है। तो चलिए जानते हैं उनकी क्या राय है। 2020 में चार सुपरस्टार की चार बड़ी फिल्में आने वाली है। सलमान खान की बात करें तो राधे, अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब और अजय देवगन के भूत द प्राइड ऑफ इंडिया, और जॉन अब्राहम की बात करें तो अटैक। तो आप कौन से हीरो के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? ऑब्वियस बात है, सलमान खान के लिए हूँ। और वैसा देखा जाए क्रिएटिविटी के हिसाब से और यूनिकनेस के हिसाब से तो अक्षय कुमार इज़ बेस्ट। अक्षय कुमार को मेरे को लगता है हर पिक्चर में कुछ ना कुछ नया रोल होता है, तो मैं एक्साइटेड हूँ अक्षय कुमार और सलमान के विषय में। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपने बोला दोनों फिल्में देखने के लिए बोल रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे जिस तरीके से क्लैशेस होने वाले दोनों फिल्मों के बारे में, तो कौन किसको टक्कर देते हुए नजर आएगा? ऑब्वियस है, सलमान खान की स्टोरी कुछ भी नहीं रहे, बट सलमान खान अगर खड़े हो जाए तो ऑब्वियस बात है सलमान खान ही जीतेंगे उसमें। पर मुझे लगता नहीं है कि ये, ऐसा लगता है कि अलग अलग टाइम पे आना चाहिए, फिर दोनों का मज़ा आएगा देखने में। सो अक्षय कुमार अपने साइड से बराबर है, सलमान खान अपने साइड से बराबर है। सो एक्शन के बारे में क्या बोलना चाहोगे, किसका एक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जॉन अब्राहम की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, सलमान खान या फिर अजय देवगन, किस मतलब चारों में से किसकी सबसे ज़्यादा एक्शन आपको पसंद है? एक्शन का देखा जाए तो जॉन अब्राहम दिस वेल, और अक्षय कुमार, तो मैं अक्षय कुमार सच्ची बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं अक्षय के बारे में ही बोलूँगा। और सलमान खान तो ऊपर छोड़ ही दो। तो इस बार क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे कौन हीरो बाजी मारेगा? सलमान खान, अक्षय कुमार, दोनों। ओके। और राधे के बारे में अगर बात करें तो मतलब कितना एक्शन हो सकता है फिल्म में, क्या लगता है, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है सलमान खान से आपको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि राधे उनका एक फेमस कैरेक्टर था पिछले बार में, तो मुझे लगता है वो वापस वो दौर में आएगा तो और धूम मचाएगा, तो सो राधे इज बेस्ट। हाँ, ट्रेलर या टीजर के लिए कितने एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। 2020 में चार बड़ी फिल्में आने वाली है चार सुपरस्टार की, तो आप कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? लक्ष्मी बॉम्ब, अक्षय कुमार की राधे, सलमान खान की, अजय देवगन की भूत द प्राइड ऑफ इंडिया और अटैक जॉन अब्राहम की, तो कौन से हीरो के लिए सबसे ज़्यादा? मुझे सलमान खान काफ़ी पसंद है, तो सलमान खान की देखना चाहूँगा बिकॉज उनका एक्शन काफ़ी अच्छा होता है। okay. और ऑफकोर्स सल्लू भाई है, तो सलमान खान। तो 2020 में बॉक्स ऑफिस पे कौन बाजी मारेगा क्या लगता है? सलमान खान फॉर श्योर। कितना मतलब परसेंट चांसेस लग रहा है आपको? बाकी सारे एक्टर्स मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं पसंद, और सलमान खान का सबसे ज़्यादा स्टारडम है, इधर भी देख सकते हैं आप सलमान खान की मूवी लगी है तो सलमान खान बाजी मारेंगे फॉर श्योर, 100%। मतलब पल्ला पहाड़ी जो पड़ेगा वो सलमान खान? जी हाँ, सलमान खान का। राधे के बारे में क्या बोलना चाहोगे, जिस तरीके से अभी ट्रेलर वगैरह दिखाया जा रहा है, टीजर वगैरह आ रहे हैं यूट्यूब पे, उसको देख के कैसा लग रहा है, मतलब कितना एक्शन हो सकता है? काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है, और सलमान खान की बॉडी मैं कहना चाहूँगा वो दबंग से काफ़ी थिन लग रहा है इसमें। okay. तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी होगी फिल्म। एक्शन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? एक्शन काफ़ी सही है, मैं खुद शूट करता था, उसकी एडिटिंग, उसका एक्शन काफ़ी फास्ट, काफ़ी स्लिक, तो मज़ा आएगा मूवी देखने में। और ट्रेलर के लिए क्या बोलना चाहोगे, मतलब कितना एक्साइटमेंट आ रहा है देखने के? बहुत एक्साइटेड हूँ, जब जितनी जल्दी रिलीज होगी मैं उतना जल्दी देखने जाऊँगा। थैंक यू। ओके, 2020 में चार सुपरस्टार की चार बड़ी फिल्में आ रही है। सलमान खान की बात करें तो राधे, और खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मी बॉम्ब, और अजय देवगन की भूत द प्राइड ऑफ इंडिया, और जॉन अब्राहम की अटैक। तो क्या लगता है आपको चारों फिल्मों में से कौन मतलब इस बार बॉक्स ऑफिस पे बाजी मारेगी, और कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो आप? मुझे पर्सनली लक्ष्मी बॉम्ब का अभी पोस्टर रिलीज हुआ था रिसेंटली, तो वो देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छी जा सकती है 2020 में। Okay, तो इस बार बाजी खिलाड़ी भैया मारेंगे लग रहा है? हाँ, और उसका काफ़ी नई स्टोरी लग रही है, पोस्टर काफ़ी अलग सा है, ही इज ड्रेस्ड एज अ लेडी, तो वो देख के मतलब काफ़ी अलग, मतलब अभी टीजर नहीं आया, ट्रेलर नहीं आया, पर पोस्टर देख के बहुत अच्छा लग रहा है अभी। okay. तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। तो लुक के बारे में क्या बोलना चाहोगे, अक्षय कुमार का जिस तरीका का लुक दिखाया गया है पोस्टर में, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? लुक के बारे में तो यही कि मैंने ऐसा कंसेप्ट अभी तक देखा नहीं है, मतलब ऐसा सेम पोस्टर बहुत सालों पहले चाची 420 आई थी तब देखने को मिला था, तो ही इज ड्रेस्ड अप इन अ साड़ी एंड मतलब बहुत अलग लग रहा है, काफ़ी एक्शन पैक भी लग सकती है, मे बी अभी पोस्टर टीजर आया नहीं है, बट अभी फिलहाल काफ़ी एक्साइटेड। ओके, तो टीजर और या फिर ट्रेलर की बात करें तो कितना मतलब एक्साइटेड आ रहा है कि ट्रेलर अभी आ जाना चाहिए?
मैं तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, पोस्टर को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो बस अब वेट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसका टीजर या ट्रेलर है। ओके, तो चारों फिल्मों में से इस बार लक्ष्मी बॉम्ब बाजी मारेगी, आपको ऐसा लग रहा है? कितना परसेंट चांसेस लग रहा है 100 में से? 80% चांस लग रहा है कि ये ही सबसे ज्यादा कमाएगी। ओके, थैंक यू। ओके, आप लोग के फेवरेट हीरो कौन है, क्या बोलना चाहते? सलमान खान। ओके, उनकी मूवी आ रही है 2020 में राधे, कितने एक्साइटेड हो उनकी फिल्म देखने के लिए? बहुत एक्साइटेड। कैसी लगती है, उनके स्टाइल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? एकदम हटके स्टाइल, बहुत हटके। ओके, डायलॉग को याद है उनका, डायलॉग फेवरेट डायलॉग? दबंग देखी है आपने उनकी फिल्म? ओ हाँ। तो कुछ डायलॉग वगैरह मालूम है आपको? स्वागत नहीं करोगे हमारा। ओके, तो 2020 में पल्ला किसका भारी पड़ेगा, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन या जॉन अब्राहम? चारों में से कौन से हीरो का मतलब बाजी मारेगा बॉक्स ऑफिस में, क्या लगता है? सलमान खान। ओके, थैंक यू। ओके, 2020 में चार बड़ी फिल्में आने वाली है, अजय देवगन की द भूज ऑफ प्राइड ऑफ इंडिया, और जॉन अब्राहम का अटैक, और सलमान खान का राधे, और अक्षय कुमार का लक्ष्मी बॉम्ब। तो कौन से फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो आप? अक्षय कुमार की मूवी के लिए। और लक्ष्मी बॉम्ब की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे, पोस्टर आपको कैसा लगा था, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड हूँ जब मूवी रिलीज होगा उसके लिए। और सलमान खान के बारे में क्या बोलना चाहोगे, राधे के लिए क्या बोलोगे? सलमान खान भी वन ऑफ द फेवरेट एक्टर, तो उसकी भी मूवी देखने के लिए लुक फॉरवर्ड। और अजय देवगन के बारे में क्या बोलोगे, द प्राइड ऑफ इंडिया भूज के बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में मैंने कुछ सुना नहीं है अभी तक, तो कुछ बता नहीं सकता। और अटैक के बारे में, उसके बारे में क्या? उसका भी कुछ आइडिया है ही नहीं मुझे। तो आप लक्ष्मी बॉम्ब के लिए ज्यादा एक्साइटेड? यस। ओके, चारों की बात करें, चारों हीरो की बात करें, तो 2020 में कौन लगता है मतलब बॉक्स ऑफिस पे कौन मतलब बाजी मारेगा? अक्षय कुमार हमेशा की तरह। कितना परसेंट मतलब चांसेस लग रहा है आपको? वो तो हमेशा ही बाजी मारते हैं, 70% ले लो। ओके, चारों में से अगर बात करें तो एक्शन सबसे ज्यादा किसकी अच्छी लगती है? अक्षय कुमार। ओके, थैंक यू। ओके, 2020 में चार बड़ी फिल्में आ रही है, अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, सलमान खान की राधे, और जॉन अब्राहम की अटैक, और अजय देवगन की भूज द प्राइड ऑफ इंडिया। तो कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो आप? अक्षय कुमार की फिल्म के लिए। लक्ष्मी बॉम्ब के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो क्या बताना चाहोगे कुछ भी कि उसके बारे में, मूवी के बारे में? पोस्टर देख के आपको कैसा लगा? पोस्टर देखे तो इंटरेस्टिंग लग रही है मूवी, अभी देखते फिल्म देख के अब पता चलेगा कि कैसे, लेकिन मैं अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं वो पिक्चर देखने जरूर जाऊँगी। ओके, ट्रेलर के लिए कितने एक्साइटेड हो, क्या बोलोगे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेलर देख के ही पता चलेगा कि फिल्म कैसी, तो उस बेस पे हम जाके देख सकते, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ट्रेलर। पोस्टर देख के मतलब कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस पे क्या बोलना चाहोगे, जिस तरीके से अक्षय कुमार का लुक है उसमें, इस पे क्या बोलोगे? लुक तो अच्छा लग रहा है मेरे को, बट देखते हैं अभी। तो 2020 में कौन से हीरो का पल्ला पड़ेगा बाजी, और कौन मारेगा बाजी? अक्षय कुमार। कितना परसेंट चांसेस है? मेरे हिसाब से तो 80-90%। थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा पब्लिक की क्या राय है, वेल आपका क्या है कहना, आप चारों फिल्मों में से कौन से फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।